53 साल के हुए राहुल गांधी, कैसा रहा अब तक का जीवन, कब की थी राजनीतिक पारी की शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 जून को 53 साल के हो गए हैं और अब वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं जो कि राजनीति में कार्यरत हैं। राहुल गांधी देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि हाल ही में उनको अपने एक विवादित बयान के चलते अपनी संसद की सदस्यता को भी खोना पड़ा है। भले ही राहुल गांधी पार्टी में फिलहाल सिर्फ एक नेता की हैसियत रखते हो, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि पार्टी का कोई भी बड़ा निर्णय उनकी आज्ञा के बिना लिया जाता हो और इन्हीं के दिशा निर्देशों पर पार्टी चलायमान है। जब राहुल गांधी ने शिक्षा लेनी शुरू की तो सबसे पहले दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल गए। फिर कुछ समय बाद इनका दाखिला उत्तराखंड के मशहूर स्कूल द दून स्कूल में कराया गया। लेकिन इस दौरान कुछ घटनाएं जैसे इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी का पीएम बनना और एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा इनके पूरे परिवार को धमकियां दिए जाने के कारण राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी को अपनी आगामी शिक्षा स्कूल को छोड़ घर में ही पूरी करनी पड़ी थी। लेकिन जब 1989 में राहुल ने युवा अवस्था में कदम रखा तो इन्होंने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर इन्होंने केवल एक साल तक पढ़ाई की और इसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उनके लिए ये व्यवस्था भी ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकी और उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। फिर सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें फ्लोरिडा कॉलेज में स्थानांतरित किया गया। यहीं से इन्होंने 1994 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए इनकी पहचान अन्य लोगों से छुपा कर रखी गई थी। केवल इनकी सुरक्षा एजेंसी और कॉलेज के अधिकारी ही इनकी असलियत पहचानते थे। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने अपना एमफिल पूरा किया। हालांकि राहुल के परिवार में कोई भी सदस्य परिचय का मोहताज नहीं है। जहां इनके पिता व दादी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, वहीं इनकी दादी के पिता नेहरू जी स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने पिता की तरह राहुल ने शुरुआत से राजनीति को नहीं चुना था। इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद लंदन में मॉनिटर ग्रुप नामक कंपनी में काम किया जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी। इसके बाद साल 2002 में ये मुंबई बेस्ड टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी में विभिन्न डायरेक्टर में से एक थे। लेकिन साल 2004 वो साल था जब गांधी परिवार के सुपुत्र ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर अपने परिवार के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया। तब से अब तक राहुल गांधी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है। राहुल गांधी अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे चेतावनी देते नजर आते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के हलफनामे के हिसाब से उनकी संपत्ति करीब 15 करोड़ रुपए है, तो वहीं करीब 72 लाख रुपए की देनदारी भी है। राहुल गांधी के पास मेहरौली दिल्ली में एक फार्म है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है। वहीं गुरुग्राम में एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस भी है। इसकी वैल्यू 8.75 करोड़ है। एक तरह से देखा जाए तो इनके पास मकान नहीं है, लेकिन कमर्शियल स्पेस जरूर है। साल 2014 के बाद देश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राहुल गांधी फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार कुछ न कुछ ऐसे इवेंट आयोजित करते रहते हैं जिससे पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। आपको याद हो कि हाल ही में राहुल गांधी ने अब तक का अपना मेगा इवेंट खत्म किया है जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। करीब 1 साल तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को एकजुट करने की कोशिश की है। हालांकि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, ऐसे में हम भी राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।